नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 12.2 का पांचवा प्रश्न हम आज करने जा रहे हैं। प्रश्न है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। बच्चों देखिए, ये हमारे पास एक वृत्त है, इसकी मान लीजिए यह है एक त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यह त्रिज्या भी 21 सेंटीमीटर होगी और इसकी एक चाप, यह जो चाप है, यह मान लीजिए एक चाप है ए बी, यह केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो यह हमने बना दिया। चाप की लंबाई सबसे पहले ज्ञात कीजिए, इसके तीन भाग है, पहला दूसरा और तीसरा। पहला भाग है चाप की लंबाई, तो हम आगे प्रश्न बाद में पढ़ेंगे, पहले हम चाप की लंबाई ही निकाल लेते हैं। तो बच्चों देखिए, चाप की लंबाई, बच्चों आपको याद होगा हमने अपने एक वीडियो में पढ़ा था, चाप की जो लंबाई है उसका सूत्र है, देखिए, चाप की लंबाई बराबर थीटा अपॉन 360 डिग्री गुना 2 पाई आर। यह चाप की लंबाई का सूत्र है, सूत्र है थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2 पाई आर। तो इस सूत्र से हमें चाप की लंबाई निकालनी है। तो देखिए, थीटा, थीटा है 60 डिग्री बटा 360 डिग्री गुना 2 गुना पाई। इस प्रश्न में हमें पाई की पहले से वैल्यू दी नहीं है, इसलिए हम पाई की वैल्यू लेंगे 22 बटा 7 गुना आर। बच्चों आर है, त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, इसे हमें हल करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, शून्य से शून्य कट गया, 6 से कट गया 36, 6 छिके 36, 7 से 21 कट जाएगा, 7 तिया 21, 3 से 6 कट जाएगा, 3 दुनी 6, 2 से यह 2 कट जाएगा। आशा करता हूं आपको यह जो भी काटा पीटी है ये आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई तो वीडियो पीछे ले जाकर दोबारा देख लेना। इसी हिसाब से ये कट गया, ये भी हमारे पास कट गया, तो 2 भी कट गया, 7 भी कट गया, 21 भी कट गया, बाकी हमारे पास बच गया है केवल 22, बाकी हमारे पास केवल बच गया है 22। इसका मतलब बच्चों, हमारा जो प्रथम भाग था प्रश्न का कि चाप की लंबाई, चाप ए बी की लंबाई हमें पता करनी थी, वह प्रथम भाग हमारा हल हो गया है और हमारे पास वह लंबाई आई है 22 सेंटीमीटर। आइए बच्चों, अब हम करते हैं इसका द्वितीय भाग। आइए बच्चों, अब हम करते हैं इसका दूसरा भाग। दूसरा भाग है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखिए, ये ए बी चाप ने इस त्रिज्या और इस त्रिज्या के बीच में यह पूरा त्रिज्या खंड, जहां पर मैं अपना कलर दिखा रहा हूं आपको शेड करके, यह ए ओ ए और ओ बी के बीच में यह पूरा त्रिज्या खंड है। इस त्रिज्या खंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। और बच्चों, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यह त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र है थीटा अपॉन 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। तो आइए इसे हल करते हैं। देखिए बच्चों, थीटा फिर से वही है 60 डिग्री बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। पाई है 22 बटा 7 गुना आर, देखो बच्चा त्रिज्या थी 21 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर यानी 21 सेंटीमीटर गुना 21 सेंटीमीटर। अब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आएगा। तो आइए बच्चों इसे हल करके देखते हैं। देखिए, शून्य से शून्य कट गया, 6 से 36 कट गया, छिकम छिकम 36, 7 से यह 21 कट गया, 7 तिया 21, 3 से यह 6 कट गया, 3 दूनी 6, 2 से यह 22 कट जाएगा, 11 दूनी 22। यदि आपको ना समझ आए वीडियो पीछे ले जाकर बच्चों दोबारा देखना, आपको यह क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, हमारे पास बच क्या गया, यहां से 360, 6 2 कट गया, 7 भी कट गया, 60 ऊपर भी कट गया, यहां से बचा है 11, यह कट गया है, बाकी रह गया 21। तो हमारे पास आ गया 11 सेंटीमीटर गुना 21 सेंटीमीटर, और 11 को 21 से यदि गुना करें तो हमारे पास आता है 231 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे प्रश्न का दूसरा भाग बच्चों हल हो गया है, जिसमें हमने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना था और वह हमारे पास आ गया है 231
31 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आइए अब हम इस प्रश्न का तीसरा भाग हल करते हैं। तीसरा भाग है बच्चों संगत जीवा द्वारा बनाए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों देखिए, ए और बी चाप है, यदि हम ए और बी को मिला दें तो इसे देखिए, ये जो मैं ग्रीन पेन से मार्क कर रहा हूं, शेड कर रहा हूं, यह है वृत्तखंड जो कि इस संगत जीवा एबी के द्वारा बनाया गया है, यह वृत्तखंड है। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों हमने पढ़ा था वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर है इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, यानी थीटा अपॉन 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर जो कि हमने अभी यहां पर निकाला है, इसमें से हम माइनस कर देंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हमें माइनस कर देना है इसमें से, इस त्रिज्याखंड में से यह त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो यह हमारे पास बच जाएगा। देखो बच्चों, थीटा अपॉन 360 टू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 टू पाई आर स्क्वायर, इसको हल करने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी हल कर चुके हैं, उसका उत्तर था 231। तो मैं इसको दोबारा हल करने के बजाय इसकी जगह लिख रहा हूं 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, ये हमें हल करना है 1/2 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर है 21 सेंटीमीटर गुना 21 सेंटीमीटर गुना साइन थीटा, साइन थीटा है बच्चों 60 डिग्री, तो ये हो गया साइन 60 डिग्री। आइए अब हम इसे हल करते हैं। देखिए बच्चों, ये तो रहेगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 गुना 21 सेंटीमीटर गुना 21 सेंटीमीटर गुना साइन 60 की जगह √3/2, इसे हमें हल करना है। तो बच्चों ये आ जाएगा 231 माइनस, ऊपर हो गया 21 गुना 21, 21 गुना 21 होता है 441 बटा, नीचे हो गया 2 × 2 = 4, 441 के साथ ये √3 भी है, तो ये जो है ये हमारे पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। आप चाहें तो इसे आगे भी हल कर सकते हैं, परंतु हमारी टेक्स्ट बुक्स में यही इसका उत्तर दिया गया है, तो हम भी अपने प्रश्न को यहीं पर छोड़ देंगे, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने पांचवें प्रश्न का पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, तीनों भाग हल किए हैं। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हालांकि इसके तीन भाग थे, यह वीडियो और यह प्रश्न थोड़ा सा लंबा था। यदि किसी भी स्टेप से आपको यह प्रश्न ना समझ आया हो तो आप पीछे जाकर वीडियो को पुनः चलाकर दोबारा चलाकर भी देख सकते हैं। आशा करता हूं हमारा यह प्रयास आपको समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को भी समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप वहां पर अन्य प्रश्नों के वीडियो देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझ भी सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।